जहांगीरपुरी में करीब 3 घंटे तक गरजने के बाद बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने का निर्देश, कल फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जहांगीरपुरी में घर से लेकर अवैध दुकानों पर सख्ती का हथौड़ा, एमसीडी ने मस्जिद के बाहर बने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त, घर और सामान मलबे में तब्दील। बुलडोजर के एक्शन का शोर, ओवैसी बोले बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, तो बीजेपी बोली जेसीबी का मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड, कांग्रेसी बोले ये संविधान पर हमला। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार पर सरकार सख्त, मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की तैयारी, देश में नए कोरोना मरीज 2000 के पार। रूस यूक्रेन जंग के 65वें दिन के बाद भी पुतिन का फाइनल एक्शन, डोनबास पर कब्जे की तेज जंग, मारियुपोल में रूसी फौज की जबरदस्त बमबारी। मिशन 2023-24 को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन, सोनिया गांधी के आवास पर सीएम गहलोत समेत दिग्गजों के साथ मीटिंग, सियासी रणनीतिकार पीके के साथ भावी रणनीति पर चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला, बोले महंगाई पर लगाम लगाने में केंद्र विफल, बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ चुनाव जीतना। शहीद स्मारक पर कोविड सहायता सहायक का धरना, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी बोले जल्द इस पूरे मामले का निकाला जाएगा हल, 31 मार्च को करीब 28,000 सीएचए को किया जा चुका है कार्यमुक्त। शिक्षा विभाग से बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड थर्ड के 5,126 पदों की मिली स्वीकृति, वित्त विभाग ने दी मंजूरी। पाली में बस के चट्टान से टकराने से 2 की मौत, तो गंगापुर सिटी में जीप पलटने से 2 युवतियों की मौत, अलवर में 2 हादसों की भेंट चढ़ी, 5 जिंदगियां।